नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज भाग, क्षितिज जो है उसमें गद्याखंड का 15वां अध्याय मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान। पहले हमने भाग एक का अध्ययन किया था जिसमें लेखक ने सैंड हिल का वर्णन किया है और वह सूर्यास्त का जो समय है उसको निर्विवाद रूप से देखने के लिए एक टीले से दूसरे टीले को पार करते करते अंतिम टीले तक पहुंच जाता है और वह अपने प्रयत्न की सार्थकता जो है उससे संतुष्ट होकर एक टीले पर बैठ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने सबसे जो संसार की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको अपने वश में कर लिया है, अर्थात उसको जीत लिया उसने। अब सूर्यास्त का समय था, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और किस प्रकार का जो दृश्य है लेखक को दिखाई देता है तो उसका वर्णन किया गया है, तो उसका हम जो अध्ययन कर रहे हैं भाग दो के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें लेखक ने सूर्यास्त का जो दृश्य है, मनोरम दृश्य है, उसको सहज रूप से देखा तो है लेकिन उसके बाद में क्या कठिनाइयाँ जो उत्पन्न आ रही हैं हो रही हैं या कह सकते हैं कि कैसे दृश्य लेखक के सामने उपस्थित हो रहे हैं, तो उसी का वर्णन आगे किया गया है जिसका हम भाग दो के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों की झुरमुट नज़र आ रही थी। अब लेखक कहते हैं कि जिस टीले के ऊपर बैठा है वो, तो उसके पीछे जो है दूर दूर हटकर उगे हुए नारियल के झुरमुट दिखाई दे रही हैं। गूंजती हुई तेज़ हवा से वो उनकी टहनियाँ ऊपर को उठ रही थीं। अब क्योंकि अपने देखते हैं ना जब कि जब तेज़ हवा चलती है तो टहनियाँ वगैरह ऊपर की ओर उठती हैं, तो नारियल के पेड़ हैं और उनकी जो टहनियाँ हैं वो ऐसे हवा से ऊपर की ओर उठ रही हैं। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसे लग रही हैं जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें। अब देखिए लेखक कैसी कल्पना कर रहे हैं कि उन्मुक्त जो रति, रति मतलब प्रेम के क्षणों में किसी नग्न वन युवतियों की बाहें, यानी कि वन युवतियों की नग्न बाहें जो हैं तो नंगी बाहों के समान वो जो है लग रही हैं टहनियाँ जो हैं नारियल के वृक्षों की, पेड़ों की। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी। अब पश्चिमी तट जो है उसके साथ साथ जो सूखी हुई पहाड़ियाँ जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई हरियाली नहीं है, ऐसी पहाड़ियों की जो श्रृंखला है दूर तक चली गई थी। श्रृंखला कहा गया है चैन जंजीर या कड़ी जिसको अपने कहते हैं कि एक दूसरे से सटकर ये बनी हुई हैं पहाड़ियाँ जो हैं, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी बीहड़ और वीरान लग रही थी। अब लेखक कहते हैं कि सामने जो फैली हुई रेत थी उसके कारण से ये काफ़ी बीहड़ लग रही है, बेजान लग रही है और रूखी हुई लग रही है। इसको सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। अब लेखक देखिए किस प्रकार से सूर्यास्त का वर्णन कर रहा है कि सूर्य जो है वो पानी की सतह के पास पहुँच गया था। सतह मतलब बिल्कुल तलहटी के में आ गया सूर्य। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया रंग दे दिया था। अब देखिए सुनहली जब किरणें रेत के ऊपर पड़ती हैं तो उसमें एक नया ही रंग आ जाता है, उसकी सुंदरता जो है वो निखर जाती है। तो उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहाँ उढ़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा, लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। अब लेखक अपने मन में विचार कर रहा है कि इस रेत के ऊपर पहली बार उसी के ही निशान पैरों के आए हैं, इसके अलावा इससे पहले कोई नहीं आया, तो ऐसा उसको आभास हो रहा है। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। अब इससे मन में एक सिहरन भी हुई और हल्की उदासी भी घिर गई, ये कैसे? अब एक तरफ तो वो उत्साहित है कि उसने जो है सभी जो टीले हैं उनको पार करके और जो सूर्य है, सूर्यास्त का जो दृश्य है उसको निर्विवाद रूप से वो देख रहा है, लेकिन एक सिहरन भी उसके मन में पैदा हो गई और एक उदासी भी घिराई है, वो क्या है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कि सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। अब देखिए जो सूर्य का गोला था ना वो पानी की, अब क्योंकि सूर्यास्त जो है उसके समय सूर्य जो गोल हमें दिखाई देता है उसका जो प्रकाश वो मध्यम हो जाता है लेकिन उसकी जो चमक है वो तांबे के समान रहती है, तो उसको हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं। और जैसे प्रातःकाल का सूर्य उदय जब हो रहा है, प्रातःकाल के समय सूर्य होता है तो वह उस समय भी तांबे के समान लाल रहता है, तो उसको भी हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं।
लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आता है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है सूर्य, तो उसकी रोशनी अधिक बढ़ जाती है कि उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो अब इसमें कहा है कि सूर्य जो है, सूर्य का गोला जो है, गोल सूर्य दिखाई दे रहा है और पानी की सतह से छू गया है, पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल गया ढुलाया। अब देखिए, जब सुनहरी किरणें जो समुद्र है उसके किनारे उस पानी के ऊपर गिर रही हैं, तो लेखक कल्पना करता है कि सोना ही सोना जैसे कि चारों ढुल गया हो, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। अब लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य का गोला ढल रहा है, तो पहले जो है सोना ही सोना ढुल गया ऐसे प्रतीत होता है, लेकिन प्रत्येक क्षण जो है, प्रत्येक पल जो है, उसके रंग में बदलाव आ रहा है। और लेखक कहते हैं कि उसे एक नाम दे सकना असंभव है। अब कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, तो देखिए इसमें कि सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। अब पानी का लावा, लावा मतलब कि जिस प्रकार से ज्वालामुखी में से जो तरल द्रव्य है, गर्म द्रव्य जो है, वह निकलता और जो भी इसके सामने आता है तो उसको अपने आप में समा लेता है, उसको नष्ट कर देता है। तो उसी प्रकार से पानी को लावे के रूप में बता दिया, उबलता हुआ लाल दिखाई दे रहा है सुनहरी किरणों के कारण से। तो लेखक कहते हैं कि सूर्य का गोला जो धीरे धीरे बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा है, धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा है। अब लहू मतलब बिल्कुल लाल रंग का हो गया है वो पानी जो है समुद्र का, पहले वो सुनहरे रंग का था, लेकिन अब जो है जैसे ही जो सूर्य है बिल्कुल डूबने के कगार पे है, तो उसमें उसका जो रंग है, पानी का रंग जो है वो लाल हो चुका है। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंगनी और बैंगनी से काला पड़ गया। अब बैंगनी मतलब बैंगनी रंग का हो गया, फिर बैंगनी से काले रंग का हो गया क्योंकि अंधेरा हो चुका है। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देखा। अब देखिए, पहले भी लेखक ने पीछे देखा है तो कहते हैं कि झुरमुट जो है, नारियल के जो पेड़ हैं उनके झुरमुट जो दिखाई दे रहे थे, उनकी टहनियाँ जो हैं, ऐसे लगता था वन युतियों की नंगी बाहें हों, इस प्रकार की कल्पना की थी। लेकिन अब जब पीछे देख रहा है तो उसकी स्थिति कैसी है, कैसा दृश्य उसको दिखाई दे रहा है, तो उसका वर्णन इसमें किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखक हमें उसके बारे में क्या बता रहा है, उसकी क्या कल्पना है। तो देखिए, नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठी हुई थी, अब उसी हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्यपट पर स्याही फैल गई थी। अब पूरे दृश्यपट के ऊपर वो जो अंधेरे कारण से दृश्य पहले साफ दिखाई दे रहा था, अब वो जो है साफ दिखाई नहीं दे रहा है। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट शहा पड़कर जैसे लगातार सिर ढूंढ रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। अब लेखक कहता है कि शाह हो गया, यानी कि काली जो है, कालीमा छा गई है, अंधकार छा गया है, तो इस कारण से दूर खड़े जो झुरमुट है ना, वो शाह पड़ गई हैं, शाह मतलब काले हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। तो इसी कारण से वे लगातार अपना सिर ढूंढ रही हैं और हाथ पैर पटक रहे हैं कि इतना अंधेरा क्यों हो गया, हम एक दूसरे को दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ भींचता खोलता, कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता। अब देखिए किस प्रकार से लेखक कहता है कि मैं उठ खड़ा हुआ, अब अंधेरा हो गया है, अब मुट्ठियाँ कभी भींच रहे हैं कभी खोल रहे हैं, अर्थात तो लेखक जो असमंजस में है, वो करे तो करे क्या। अब एक तरफ तो रेत का टीला है, टीलों को पार करते हुए जाना है, और दूसरी तरफ समुद्र है, उसको देख रहा है। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना है। अब लेखक कहते हैं कि मेरे को अचानक ख्याल आया कि मुझे यहाँ से वापस भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपकंपी भर गई। अब देखिए किस प्रकार से कंपकंपी भर गई है कि लेखक जो है इतना अधिक विस्मित हो गया है कि उसको जब जाने का ख्याल आया तो वो शरीर में कंपकंपी आ गई, एक भय जिसको अपने कहते हैं वो महसूस कर रहा है। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहाँ स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। अब क्योंकि अंधकार हो चुका है तो वहाँ पे रोशनी थोड़ी बहुत है, तो उसके कारण से वहाँ पे धुंधले रंग जो है हिलते हुए नज़र आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। अब क्योंकि काफ़ी दूर लेखक आ चुका है, तो लेखक कहते हैं कि सैंड हिल के ऊपर जो लोग थे उनकी जो आकृतियाँ वो दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन अलग अलग कर पाना संभव नहीं था कि ये कौन है कौन नहीं है ना। मेरे और उन रंगों के बीच शाह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। अब लेखक देखिए किस प्रकार से विचलित हो रहा है,
वो कहता है कि मेरे और उनके बीच में, उनके रंगों के बीच में शाह पड़ती रेत यानी काली जो रेत हो रही है ना, तो उसके नज़ारे कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूँगा। अब देखिए अपने मन से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या अंधेरा होने से पहले, कि पूरा अंधकार हो जाए उससे पहले पहले मैं क्या वहाँ पर पहुँच सकूँगा क्या टीलों को पार करके। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी पर लगा कि नहीं। अब लेखक कहते हैं कि मैं बढ़ा उस तरफ टीलों की तरफ लेकिन लगा कि नहीं जा सकता। उस रास्ते से जाऊँगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊँगा, इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊँ। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैप होटल के सामने तक ले जाएगा। अब ये लेखक जहाँ रुका हुआ था ना कैप होटल में, तो उसके बारे में बता रहे कि उसको लगा कि वो अगर समुद्र के तट के रास्ते उतर जाता है, समुद्र के तट पर उतर जाएगा नीचे की तरफ, तो निश्चित रूप से कैप होटल के सामने ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। अब देखिए क्योंकि टीले के बिल्कुल ऊपर बैठा था लेखक, तो बिना कुछ विचार किए वह नीचे समुद्र के जो तट है उसकी तरफ लुढ़कने लग गया है, फिसलने लग गया है। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। अब लेखक कहते हैं कि मैं तट पर पहुंच गया समुद्र के तट पर, लेकिन अंधेरे की बात मैं भूल गया। कारण था तट की रेत। अब किस कारण से भूल गए हैं, तो बता रहे हैं कि वो रेत है वहाँ की जो तट की, वो उसे आकर्षित कर रही है अपनी ओर। अब देखिए किस प्रकार से आकर्षित कर रही है, किस रंग की उसने रेत वहाँ देख ली है लेखक ने। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यूँ पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत दिखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल। अब लेखक कहते हैं कि मैंने पहले भी जो समुद्र है उनकी रेत को देखा है, तट की रेत को देखा है, लेकिन जैसे सुरमई, खाकी, पीली और लाल थी, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही देखने को मिला है। तो क्या देखने के लिए मिला है देखिए। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे, अनाम जिनका कोई नाम ही नहीं है, नाम तक नहीं जानता हूँ। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। अब लेखक कहता है कि एक एक इंच पर अलग अलग प्रकार के रंग वहाँ पे दिखाई दे रहे थे और कई कई रंगों की जो झलक वो दिखाई दे रही थी। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितने तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे। अधिक काली घटाएँ जो हैं और घनी लाल आंधी जो है, अब आजकल तो वो वैसी आंधी नहीं आती, पहले आती थी ऐसे, इनके आसमान पूरा रेत से भर जाता था और चारों तरफ ऐसे लगता था जैसे लालिमा जो है छा गई और पीलापन सा हो जाता था, पीली जो है अंधेरी होती थी। तो ऐसे इस प्रकार से कभी इसमें लेखक कह रहे हैं कि काली घटा और जो घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से जो रंग बनते हैं, तो उन्हीं का मिश्रण यहाँ पर पाया जा सकता था। वे सब वहाँ थे और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। अब लेखक कहते हैं कि मैंने अलग अलग रंगों की जो रेत है उसको हाथ में लिया और लेकर फिर उसको मसल के नीचे गिरा दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। अब देखिए ये विडम्बना रहती है कि जिस वस्तु को हम हाथ से छू नहीं सकते तो उसको पैर से ही रौंद देते हैं अपने। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूँ, पर उसका कोई उपाय नहीं था। अब लेखक के मन में विचार आ रहा है कि वो इस रेत को ले जाए, लेकिन वो लेके कैसे जाए, उसके पास तो कोई सामान है ही नहीं जिसमें वो लेके जा सके रेत को अलग अलग। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहाँ से आगे चल दिया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब देखिए किस प्रकार की विपत्तियाँ जो हैं, परेशानी जो है लेखक के सामने उपस्थित होने वाली है, उसका ये वर्णन कर रहा है कि समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। अब लेखक कहते हैं कि जैसे एक लहर उठी और मेरे पैरों को भिगो गई तो मुझे खतरे का एहसास हुआ, मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ तीन चार फुट हिस्सा पानी से बाहर था। अब 3-4 फुट हिस्सा है ना वो समुद्र से बाहर था, बाकी जो है पानी से बाहर था, बाकी सभी अंदर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह शाह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। अब लेखक के मन में आया कि कहाँ ये मुसीबत में फंस गए हैं, समुद्र तट का सोच कर ना, तो उसको लगा कि वह रेत के जो टीले को वापस चढ़ जाए रेत के ऊपर,
मन में आया कि उस रेत की दीवार को पार कैसे करूंगा, वह अंधेरा भी हो रहा है। मेरे मन में खतरा बढ़ गया, मैं दौड़ने लगा। दो एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतार कर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेटे में लेने आ रही हो। अब ये किस प्रकार से लेखक भयभीत हो चुका है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। सामने एक ऊंची चट्टान थी, वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। और देखिए लेखक जो है आनंद ले रहा है, लेकिन वही आनंद जो है उसके लिए मुसीबत का कारण बन चुका है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की और भागने पर जो एक चट्टान सामने थी उससे टकरा गया मैं। बाहों पर हल्की खरोच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी, उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था। अब देखिए लेखक कहता है कि चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी, लेकिन उसे बचाकर आगे जाने के लिए, अब उसे बचाकर मतलब उससे के ऊपर से ही मुझे जाना था और इसके लिए मुझे पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ, क्योंकि पानी जो है काफ़ी हिलोरे ले रहा है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उसमें। तो लेखक कहता है कि मेरा जो उस तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ, मैं चट्टान के नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। और लेखक ने सोचा कि इस चट्टान के ऊपर चढ़ जाता हूँ तो ये सुरक्षित होगा नीचे खड़े होने के बजाय, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था लगभग 100 फुट का, कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे। और देखिए किस प्रकार से लेखक भयभीत होता हुआ उस किनारे पर पहुंच गया है। तो लेखक ने देखा कि मेरे सामने चट्टान के जो उस तरफ तट पर पहुंचा ना, उसका जो तट है, जो चट्टान का दूसरा सिरा है, वो तट के ऊपर खुला हुआ फैलाव था लगभग 100 फुट का, और कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना था। अब देखिए ऊपर जाने के लिए ना सड़क पर, तो वहाँ पर रास्ता बना हुआ ही था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने देखा कि वहाँ सड़क भी है, लोग टहल रहे हैं, तो मेरे मन में जो डर था, भय था, वो निकल गया और मैं अपने आप को हल्का सा महसूस करने लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। अब ये दृश्य जो है रात का है, कैप होटल का लॉन है, बगीचा है। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई शाह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टार्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज़ की मध्यम सी रोशनी। अब देखिए क्योंकि समुद्र का इसमें वर्णन हो रहा है, तो समुद्र में जो पानी के जहाज़ हैं उनका होना भी स्वाभाविक ही है, तो लेखक ने उसका वर्णन किया है। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। अब मन बेचैन हो रहा है, अब किस प्रकार से बेचैन हो रहा है कि हर प्रकार से जो सुंदरता थी वो प्राप्त नहीं कर सका। जगहें मुझे इतनी अच्छी लगी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूँ। अब लेखक कहते हैं कि मेरा मन वहाँ पर रम गया था, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कराया था। अब ये हिमाकत का मतलब होता है गलती, कराया था कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अब लेखक कहता है कि मैं भुलक्कड़पन का आदि हूँ और इतनी हिमाकत यानी कि इतनी अधिक मैंने गुस्ताखी कर दी है या गलती कर दी है जिसके कारण से वहाँ से मुझे तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अब क्या हो गया ऐसा, तो चलते हैं देखते हैं क्या लेखक बता रहा है इसमें आगे। कि अपना सूटकेस खोलने पर पता चला कि कनानोर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज के दराज में छोड़ आया हूँ। अब देखिए जो 80-90 पन्ने लिखे थे ना लेखक ने, जो कनानोर यहाँ कन्याकुमारी आने से पहले, तो कहते हैं कि मैं वहीं पे मेज की दराज में छोड़ाया हूँ। अब मुझे दो में से एक चुनना था, एक था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत, दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाई होटल के एक दराज में बंद थे। सेवाई होटल का नाम है ये, तो उस होटल के एक दराज में बंद थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियों या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। अब देखिए लेखक सोच रहा है, कह रहा है कि मैं होटल के जो दरवाज़ा है, होटल जो है, कैब जो होटल था, तो वहाँ पे बैठा देखता रहा समुद्र की तरफ और जो पौधे की जो टहनियाँ थीं उनकी तरफ, कि मुझे उनमें से किसी समस्या का हल मिल जाए।
लेकिन कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस हॉस्टल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थीं जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। अब देखिए जो इसमें लेखक कह रहा है कि जब वह अपनी इस ऊहापोह में था कि वो क्या करे क्या नहीं करे, तो उसे एक गीत का स्वर सुनाई देने लगता है और धीरे धीरे वो गीत जो है उसकी आवाज़ जो उसके पास आती हुई उसे मालूम हो रही है। और उसमें एक कॉन्वेंट बस जो है, कॉन्वेंट की बस जो है हॉस्टल होटल के कंपाउंड में आकर रुकती है। कंपाउंड मतलब जो उसका मैदान था ना, वहाँ आकर रुकती है। और बस में बैठी जो लड़कियाँ हैं अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज़ की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। अब उस गीत को सुना और जो जहाज़ की रोशनी थी उसके ऊपर चमकते सितारे को देखकर मन और उदास हो गया। अब क्यों उदास हो रहा है? तो गहरी सांस के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। अब गहरी सांस जो है यानी कि संध्या जो है वो ढल चुकी है, अंधेरा हो रहा है, और उसी का जो सुरमई रंग है, सुरमई जैसा रंग है, तो उसमें रंगी हुई वह आवाज़ जो मन की गहराई में किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी, लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। अब लग रहा था कि उस जो रोए की जो जिद है वो मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी, लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था दिमाग के किसी कोने में अटका, जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। अब एक जिद्दी रोया और कौन सा था रोया, मतलब कि एक प्रकार से जो भाव उसके मन में आ रहे थे लेखक के, कि दिमाग में चल रहा था कि वह सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाए, और टाइम टेबल को याद कर रहा है उसका दिमाग जो है, गीतों के स्वरों की प्रतिक्रिया में साथ टाइम टेबल के हिंदसे जुड़ते जा रहे थे। अब ये हिंदसे क्या होता है? तो हिंदसे यानी कि अंक होता है, 1, 2, 3 को अरबी में हिंदसे कहते हैं, तो इस कारण से अंग योजना जो है हिंद से ली गई है, तो उसे हिंद से कहा गया है। तो जुड़ते जा रहे थे, पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी, इस प्रकार से हिंद से जुड़ रहे हैं अंक जो है ना वो जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में बस लौट गई, गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंदसों की चरखी चल रही थी। हिंद से मैंने आपको बताया था कि अंक जिनको अपने 1, 2, 3 बोलते ना, ये तो ये अरबी से लिए गए हैं, अरबी में हिंद से कहते हैं इनको। तो जो गीत है उसके स्वर तो विलीन हो गए हैं, लेकिन हिंदसों की जो चरखी है 1, 2, 3 यानी कि पहली बस, दूसरी बस, इस प्रकार के जो अंक हैं उनकी चरखी चलती रही मन में। ग्रेजुएट युवक नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 को आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। अब लेखक कहता है कि ग्रेजुएट नवयुवक था वो, मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की जो 8,000 की आबादी है उसमें केवल 400-500 शिक्षित जो नवयुवक हैं वो ऐसे हैं जो बेकार हैं, उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियाँ देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था, दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गुदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। अब ये सीपियाँ जो होती हैं ना, उसके अंदर एक जीव होता है, तो उसको निकाल कर, उसके गुदे को निकाल कर खाते हैं, तो दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं यहाँ के लोग। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी खोलकर उसे तोड़ा और उसका गुदा मुंह में डाल लिया। अब देखिए किस प्रकार से वो निकाल रहा है उसके अंदर से, सीपी के अंदर से, और वो खा रहा है। अब उनका मुख्य आहार ही वही है। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी श्याह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। अब ये सूर्य उदय का दृश्य बता रहा है लेखक इसमें, कि पानी और आकाश में तरह तरह के जो रंग हैं वो झिलमिला रहे हैं, और छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी श्याह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। अब देखिए जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है ना, वहाँ पे जो सरकारी मेहमान आए हुए हैं, तो उनको सूर्योदय के समय की जो कॉफ़ी पिलाई जा रही है। दो स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों में से शंख और मालाएँ दिखला रही थी।
वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोलतोल और अपने वाइनाक्लूजर से सूर्य दर्शन। वाइनाक्लूजर कहते हैं दूरबीन को, कि अपने वाइनाक्लूजर से वो सूर्य के दर्शन कर रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता, इन दोनों से वे बेलाग मतलब बिना किसी प्रवाह के। अब ये कडल काक क्या होते हैं? कडल काक जो है वो एक समुद्री पक्षी है, तो समुद्री पक्षी जो है उसको कडल काक कहा गया है। कडल काक जो है समुद्री पक्षी का नाम है। तो मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे, हालांकि मल्हा उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं था। अब जो इस लेखक के साथी हैं उनके साथ में, उनका कहना था कि लौटते समय जो नाव है ना उसको घाट की तरफ से लेके आएंगे घुमा के, लेकिन जो मल्लाह है, मल्लाह कहते हैं जो नाव चलाने वाला नाविक कहते हैं, उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गई और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा, अब लेखक कहते हैं जिस रास्ते से हम आए थे ना, तो अब जिस रास्ते हम जा रहे हैं तो वह बहुत ज़्यादा खतरनाक था। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी, लगता था नीचे आने पर जरूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुँच गए। अब घाट के करीब पहुँच चुके हैं, घाट की तरफ जाने से जो मल्लाह है वो डर रहे थे, लेकिन हमारे कहने पर वो उस तरफ चल दिए। लेकिन वहाँ पे जो उठने वाली लहरें थी बहुत ज़्यादा ऊंची थी, और लहरों के साथ जैसे ही हमारी नाव ऊपर की तरफ उठती तो हमें लगता था कि ज़रूर ये उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुँच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएँ बहुत होती हैं। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया, एक घाट की और आगे जब बढ़ रहे थे हम, तो चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पे आत्महत्याएं बहुत होती हैं, और अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यानी कि सुसाइड पॉइंट जिसको अपने कह सकते हैं, आत्महत्या केंद्र। मैंने सरसरी और तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। अब लेखक कहता है कि जो नवयुवक बातें कर रहा था, मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं था। मेरा ध्यान तो केवल जो था कि नाव और घाट के बीच में कितना फासला रह गया, कितनी दूरी बाकी है, मेरा ध्यान उस तरफ था। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते, वह किसी फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। भंवर क्या होता है आपने देखा होगा कि पानी में जब अपने हाथ को हिलाते हैं ना, पूरा ऐसे गोल तरफ घुमाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हर एक चीज़ जो है उसके अंदर पानी के अंदर समा जाने जाती है। तो उस प्रकार से जो है एक केंद्रण जिसको अपने कह सकते हैं, अपने ओर खींचता रहता है पानी जो है। तो उस प्रकार से हमारी जो नाव है वह भी उस भंवर में दाखिल हो गई और घूमने लग गई। पहले निकल गई बाहर, लेकिन दूसरी बार फिर उसमें समा गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। अब चेतना मतलब कि उसको पहले पता नहीं लगा कि क्या हो क्या रहा है ये, है ना, भंवर के बीच में फंस के घूम रही है नाव। और जब वह वहाँ से बाहर निकल के आती है 3-4 चक्कर खाने के बाद में, तो वो उसको होश आता है। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। अब लेखक कहते हैं कि यहाँ तो वो अपने आप निकल आई वहाँ से बाहर, या मल्लाह जो थे उनकी कोशिश से वो नाव बाहर निकल पाई है उस भंवर से। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छू कर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। अब पहले दूर से दिखा रहा था नवयुवक, फिर बाद में जब उस भंवर में से निकल कर आते हैं तो वो नवयुवक कहता है कि हम उस चट्टान को छू कर आए हैं जिस चट्टान से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी को साक्षी मानकर आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा था जब तक हम किनारे के पास नहीं पहुँच गए। अब एक प्रकार का भय है जो समाया हुआ था लेखक के मन में, यह भी
वहाँ पहुँच कर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते नाव को वापस लाई हैं जिस रास्ते से पहले ले गई थी। अब घाट की तरफ आने वहाँ जब पहुँचे ना, घाट पर पहुँच गए हम, हमारे जो गंतव्य था वहाँ पहुँच गए, तो पाया कि जो घाट की तरफ से जाने का जो आने का इरादा था ना वो छोड़ दिया मल्लाह ने, और जिस रास्ते से हम गए थे तो उसी रास्ते से वापस ले आया वो। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियाँ बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुक रुक कर उसे प्रणाम कर रही थी। अब कन्याकुमारी के जो मंदिर है ना वहाँ पे पूजा की घंटियाँ बज रही हैं, सुबह का समय है, और जो वहाँ के जो लोग हैं भक्तों की मंडली हैं अंदर जाने से पहले मंदिर में, तो मंदिर की दीवार के पास रुक कर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कड़ल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। अब देखिए सरकारी मेहमान जो गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे और हमारी नाव और किनारे के बीच में हल्की धूप जो थी उसमें कई एक नावों के जो पाल हैं, जो पाल मतलब उनके जो कपड़े वगैरह हैं जो बंधे हुए रहते ना, और जो कड़ल काक हैं उनके पंखों की चमक एक जैसी लग रही थी। मैं अब भी आँखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। अब लेखक अभी भी बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा है, तीसरी बस 9:40 पर चौथी। अब देखिए सुबह वाली बसें तो निकल चुकी हैं, अब तीसरी बस जो थी तो उसका समय था 9:40 का, और चौथी बस फिर उसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कनानूर लौट गया। अब लेखक कहते हैं कि मेरे रुकने का समय तो था वहाँ पे काफ़ी दिनों तक, लेकिन एक शाम वहाँ रुका और उसके बाद में मैं कनानूर लौट गया। अब वहाँ क्या हुआ, क्या उसको वो पेज वापस मिलते हैं या नहीं मिलते जो पन्ने उसने 80-90 लिखे थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लेखक को उसको मिले या नहीं मिले और उसके द्वारा लिखे गए पन्नों का क्या हुआ। तो वहाँ जाकर अपने लिखे कागज़ मिल तो गए, अब लेखक को मिल गई ये तो संतुष्टि हो गई, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। अब मिले भी तो किस हालत में कि चौकीदार था ना वहाँ का, तो उसने मोड़कर उसे उनकी कॉपी बना ली थी। कागज़ों पर लिखाई एक तरफ ही थी इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। अब लेखक ने अपने पन्ने लिखे हैं तो एक तरफ लिखा था तो दूसरी तरफ खाली होने की वजह से उसने कॉपी बना ली थी जो चौकीदार था, तो वो अपना हिसाब लिखने लगा उस पर। जब मैंने वह कॉपी उसे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। अब लेखक कहते हैं कि उसका हिसाब किताब लिखा हुआ था, मैंने उससे वो कॉपी ले ली तो शायद उससे कम निराशा नहीं हुई। अब क्योंकि उसने भी तो हिसाब किताब लिखा ना उस पर, तो उसको भी उतनी ही निराशा हुई होगी जितनी कि मुझे कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर हुई थी। तो सौभाग्यवश कह सकते हैं कि लेखक द्वारा जो लिखे गए जो पेज थे वो मिल गए उससे, लेकिन जिस प्रकार का दुख जो है, जो निराशा लेखक को हो रही थी, तो उसी प्रकार की जो निराशा है वो उस चौकीदार को भी हो रही थी। तो ये था मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान, जिसको हमने पढ़ा है निबंध को, तो जिसमें इन्होंने कन्याकुमारी का वर्णन किया है और कनानूर भी ये गए हैं, तो ज़्यादा जो है इसमें कन्याकुमारी के ही दृश्यों का वर्णन किया गया है, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो वर्णन है उसका वर्णन था इसमें, क्योंकि सूर्योदय और जो सूर्यास्त हैं तो उसकी जो भूमि है, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कन्याकुमारी को कहा जाता है। तो ये था हमारा 15वां अध्याय मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान, जिसका हमने अध्ययन किया है। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।